जय श्री राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है पुष्पा मूवी के ऊपर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम पुष्पा मूवी की स्टोरी के बारे में और उस पर छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पुष्पा मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी की बात करें तो पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन एक शातिर लाल चंदन की लकड़ी का तस्कर है, जो सिंडिकेट में रैंकों के माध्यम से तेज़ी से आगे बढ़ता है। इस दौरान उसका पुलिस डिपार्टमेंट से भी पाला पड़ता है। यह फिल्म तिरुपति की पृष्ठभूमि पर बनी है। इस फिल्म में रश्मिका ने अल्लू अर्जुन की प्रेमिका का किरदार निभाया है। इस तस्करी की साजिश का क्या होता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। पुष्पा की बात करें तो ये फिल्म एक्शन और डायलॉग से भरपूर है। अल्लू अर्जुन वन मैन आर्मी की तरह फिल्म से सभी का दिल जीतते नज़र आए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन शानदार है। फिल्म एक्शन से भरपूर है। एक्शन सीन्स रोहित शेट्टी की फिल्म की तरह धमाकेदार है। अल्लू और रश्मिका की लव स्टोरी काफ़ी एंटरटेनिंग करती है, खासकर इंटरवल के बाद के कुछ सीन्स बहुत ही शानदार है। रश्मिका मंदाना का फिल्म में लुक काफ़ी अलग है, मगर वह लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी नज़र आई है। पुष्पा द राइस वन मैन आर्मी लगती है। पूरी फिल्म में अल्लू अर्जुन की नज़र आते हैं। उनकी बॉडी, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन काफ़ी शानदार है। फहाद फासिल की एंट्री फिल्म के आखिर में होती है, मगर उन्होंने थोड़े ही समय में अपना प्रभाव ऑडियंस पर छोड़ दिया है। अल्लू अर्जुन की एंट्री, लव ट्रेंग, एक्शन सीन्स और फरहाद की एंट्री के लिए ये फिल्म आप देख सकते हैं। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी शानदार नज़र आई है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म को ज़रूर देखना जाना चाहिए। अल्लू अर्जुन लंबे समय के बाद फिल्म लेकर आए हैं, साथ ही एक नई जोड़ी फिल्में देखने को मिली है।